जय बोलो हनुमान बलरंगी की जय हो, जय बोलो कुवैत माँ की जय हो, केसरेश्वर महादेव की जय हो, रोमा पीर की जय हो। हेलो जी, हेलो, राम राम। आज है 4 सितंबर और मैं गया हूँ अपने गांव चिमनगढ़ में हनुमान जी के प्रति प्रसाद चढ़ाते और क्या कार्यक्रम है उसकी मैं आपको पूरी जानकारी दिखाता हूँ। तो मेरे साथ में गांव के वडेरे बैठे हुए हैं। ये हनुमान जी के मंदिर में आप देख सकते हो, ये हनुमान जी का मंदिर है। गाँव के वडेरे इधर बैठे हुए हैं और पीछे हवन चालू है, प्रसाद चढ़ा रहे लोग, धूप लगाने आए हनुमान जी को। और ये देखो इधर भी वडेरे बैठे हुए हैं। ये तो अभी हमको इसके बारे में देंगे जानकारी हमारे गांव के भीमा राम जी करड़ साहब। राम राम साहब। राम राम साहब। तो भैम जी आप जो प्रसाद चढ़ावे रिया है वो केम चढ़ावे रिया के पहला शरीर में माले में बीमारी आई थी, केशर भारती पशुअमाई केशर भारती रे महाराज थी कहवाती के थोड़े गांव में संपत्ति शांति हुई जाए एकदम। अच्छा, शॉर्ट नाक जोपरी कोई बीमारी नहीं रहे, कोई बीमारी नहीं रहे। रविवार रे दाड़े हो शनिवार री होजे जागरण है और रविवार रो हमारा शॉर्ट है। अच्छा, कुगे माता रे नाम थी हनुमान रे केशर भारती रा कहवाती तो एकदम गांव में शांत है, एकदम सुख शांति, बीमारी साहब की कंप्लीट। अच्छा है अने तरीकती आ गोम संपत्ति बैठो आखो। तो अवन एलेरिया वन में काव काव एले वने में घी कोपरा अन तेल केलो तेल तल तिल वालो तल्यो प्योर। अच्छा, प्योर तल्यो। तो कमती कमणन कतरा वर्ष हुवे सालू किदा अने में कतरा वर्ष हुगवे का आज कोई बड़ी रोरा टाइम ती गोम बसी हजमत कतरा साल हुगी वे भाई होना। हां ना तरीवरा जी 50 से 60 वर्ष 30 वर्ष थी तो मुई देखो आखा गोवरा पशु उठे गोम में आवता पहला तो आखा गोम में उठे लेन लगावता और अने जो अपने हवन चालू अने वसाले थी वे शॉर्ट नाखता बे आदमी रे मैं वे डगरा काटता शॉर्ट नाखता एकदम माले रे बीमारी हटती परी शांति वेती एकदम नाले है शांति। और प्रसादी रो काव नियम है जो काव पोसड़े कोई है वो पोसड़े पवालो करे हनुमान जी ने धूप दे रोट घाले। अच्छा, हां एक ढोर रे लारे पवालो। हां ठीक है। जतरा पशु वे ढोर लावे अन हनुमान जी ने रोट ती धूप देनो चूरमो बना हनुमान जी आसी तरजोती वणती सब अपने पशु की बीमारी हटे परी एकदम शांत होगी। आ बावसी रे नाम थी हवंती पिया है। अच्छा, हां बावसी रे तरपती हनुमान रे तरपती फूल मिलावे ना आखो गोम मळे ना सब अपने कार्यक्रम करा और अंती अपने गोम में शांति रहे। सब जाति कोई हां कोई अड़े रे में सब जाति 36 गोम। चलो बढ़िया है एकदम शांत है। जय बोलो हनुमान बलरंगी की जय हो, जय बोलो कुवैत मां की जय हो, केसरेश्वर महादेव की जय हो, रोमा पीर की जय हो। तो दोस्तों देखा कि अभी मैं गांव में वडेरों के साथ में बैठा था और आपको जानकारी दे रहा था कि जो हमारे गांव में पहले पशुओं में बीमारी बहुत आती थी, उस टाइम इतने डॉक्टर भी नहीं थे। तो हमारे गांव में चमत्कारी श्री केशर भारती जी महाराज का मंदिर है और वो इधर थे तो उन्होंने गाँव वालों को सलाह दी थी कि आप भाद्रवा के लास्ट रविवार को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाओ और एक पशु के पीछे पवा लो। जैसे एक पायली में 1.5 किलो आता है तो 375 ग्राम के हिसाब से इधर चूरमा का धोक लगाते हैं। और अभी और गांव वालों के बीच में बात करता हूँ। राम राम साहब। जय शंकरी। तो आप वरी कोई अनारे बारे में कोई जानकारी देनी चाहो थे पूछो तो दे हमारी। हाँ, मैं जानकारी ली थी अरे बाप। हाँ, अपने बीमारी पहला यदि वडेरा जीता जल्दी की आवती एक वक्त आई थी माल खासो बहन गाल मुई थी चले थी तो वापसी वाले वापसी लाया और शॉर्ट नौकी और उस भाई मोर पे चोरा तोरण बोध दिया बने थी वो बीमारी अटकी थी लगभग 12-13 मई हिंदी में 12-13। अच्छा, बने थी मोड़े अपने हवन चालू है शॉर्ट नौखा माल मावे निकाला बने थी परंपरा सुख शांति है पूरा गांव खूब शांति है। माल भी जो निमरतो है हनुमान जी ने हवा पवाला रोड चढ़ावा और आखिरी रात जागरण दिया। बस्ती वाला बैठा रहे भजन भाव करा संगत करा पूरा गांव में। तो अनसाल आज जो नवी गांव में बीमारी आई है लंपी ने बारे में प्रार्थना की थी हनुमान जी थी की रात प्रार्थना की थी। आखा बस्ती बैठी थी गांव वाला हो जाए बैठा था अन बीमारी में फर्क पड़ियो। चलो बढ़िया है। जय बोलो बजरंग बली की जय हो। चलो धन्यवाद सब जनों। तो बालूराम जी अकेलो हवन चालू घी वालों हाँ साइड में घीरो हवन है और वन साइड में तेल रो हवन है और पशु आवे पूरा गावरा जो अठे निकाले जो मार पाए वीडियो है मैं था ना आपने विजुअल में बताऊँगा और हमें निकलो आपने बिल्कुल बिल्कुल थे सब जना मारा हाथ ही जो माए लो एक ना सब जना आवारा। चलो घीरो हवन करो बस आवा धन्यवाद। गांव में अपने घर पे ये माता जी का मंदिर है वो भैरवनाथ जी का मंदिर है और अंकल ने इधर सोनल को स्नान करवा दिया है। हमें कहा फिनाइल छोटे रही आओ फिनाइल का छिड़काव कर रहे हैं कि मच्छर नहीं आए। सोनल उनको नहीं खाते बहुत बड़ा है सोनल फिनाइल से मच्छर दूर रहते हैं। हाँ एक तो मैं मन कीधे तो मैं घोड़ा ले जाऊँ पर वजन नहीं लेना है गाँव में ले आवट है। तो मैंने भी ले ली है छाट हनुमान जी के नाम की बेरे पे जाके पशुओं को डालूंगा और इस व्लॉग को यही करते हैं समाप्त। वीडियो पसंद आया रहेगा तो चैनल को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।